दोस्तों इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 28 मई, दिन है रविवार का, छुट्टी का दिन है और आज का जो प्रमुख करंट अफेयर्स है वो एक बार फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे साइरिल अल्मीडा किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पुर्तगाल? तो साइरिल अल्मीडा जो कि जैसे कि प्रेस फ्रीडम का अवार्ड मिला है, ये दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित है। हाल ही में डिफेंस अकाउंट्स का कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? पुनीत सिंह, राजेंद्र कुमार नायक, सुधीर श्रीवास्तव या समीर आहूजा? सही जवाब है राजेंद्र कुमार नायक, जिन्हें डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस संगठन के साथ मिलकर पुरुष क्रिकेट 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन का आयोजन करने का निर्णय लिया? यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक या यूनेस्को? सही जवाब है यूनिसेफ। दोस्तों ICC जिसका अभी इंग्लैंड में 2019 का वर्ल्ड कप 30 मई से शुरू होने वाला है, तो वन डे फॉर चिल्ड्रन यूनिसेफ के द्वारा ये एक बच्चों के हितों में काम करने की जो संस्था है यूनिसेफ, अमेरिका में इसका न्यूयॉर्क में इसका संगठन का कार्यालय है, तो इसने ICC के साथ मिलकर 2019 में इस तरह का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुरुग्राम, नोएडा, गांधीनगर या हिसार? तो सही जवाब है गुरुग्राम में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, स्मृति मंदाना या पूनम यादव? और सही जवाब है भारतीय वनडे टीम की कैप्टन मिताली राज को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने बैंकिंग और वित्त सेक्टर के लिए 5G लैब लॉन्च की है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या नन ऑफ दीज? तो सही जवाब है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसने वित्त सेक्टर में 5G लैब को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी रिजलिस सिटीज एशिया स्पेसिफिक कांग्रेस 2019 के शहर में शुरू हुई? कोलकाता, नई दिल्ली, देहरादून या हैदराबाद? तो सही जवाब है इसका नई दिल्ली में एशिया स्पेसिफिक कांग्रेस 2019 का जो आयोजन है वो शुरू हुआ। किस देश के वैज्ञानिकों ने मरीज की जैव सामग्री से विश्व के पहले 3D हृदय का निर्माण किया है? बहुत अच्छा सवाल है। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल? सही जवाब है इसराइल ने मरीजों के जैव सामग्री से विश्व का पहले 3D हार्ट का निर्माण करने का जो प्रयोग है वो सफल रहा है। अगला क्वेश्चन है, 23वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा में हुआ, भारत ने 400 सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए, पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा जबकि बहरीन प्रथम स्थान पर रहा, यह उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक या दो, दो या तीन, एक या तीन या एक दो तीन? तो सही जवाब है सी, एक या तीन। यह दोहा में हुआ और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान जबकि बहरीन प्रथम स्थान पर रहा, दूसरा विकल्प में भारत ने 4 स्वर्ण नहीं केवल 3 स्वर्ण जीतकर कुल 17 पदक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, जापान के हायाबुसा 2 प्रोब ने किस क्षुद्र ग्रह पर विश्व की प्रथम कृत्रिम क्रेटर का निर्माण किया है? सेरस, वेस्टा, एरोस या रियोगु? तो सही जवाब है डी, रियोगु। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, भारत ने मलेरिया के साथ उन्मूलन के लिए लॉन्च किया कार्यक्रम है जिसका नाम है मेरा इंडिया अभियान। 2019 के अंत तक कतर में एग्जिट वीजा सिस्टम समाप्त करेगा। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई में स्थगित किया। माइक्रो इंश्योरेंस में फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए सुरेश माथुर समिति का गठन किया गया और BCCI ने अर्जुन अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किए, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव। तो दोस्तों ये था 28 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर पूरा PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।